सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। खुशी मन की अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन की खुशी अहंकार पैदा करती है और मन की खुशी संस्कार पैदा करती है। धन के साथ साथ थोड़ी दुआएं भी कमा लीजिए दोस्तों, क्योंकि धन काम आए ना आए पर दुआएं हर हाल में काम आती है। बड़ों के छत्र छाया बोझ नहीं है, यह हमारा सुरक्षा कवच है, इन्हें संभाल कर रखिए, यही हमारी संस्कृति और संस्कार है। आज का पंचांग 15 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि, रात्रि 12:19 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपद नामक नक्षत्र रात्रि 10:08 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपद नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 3:04 से 4:31 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 11:49 से 12:35 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर 7:49 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। मकर राशि 15 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार, कार्यस्थल पर वेतन में बढ़ोतरी या पदोन्नति के साथ अभी आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। अपने कपड़ों और व्यवहार से अपने उत्साह और आत्मविश्वास को प्रदर्शित करें। रिश्ते में चीजें तनावपूर्ण होगी, ऐसे में रिश्ते का टूटना एकमात्र विकल्प हो सकता है। नए मौके का फायदा उठाएं। आज अपने परिवार से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण आज अपने परिवार से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। विभिन्न रिश्तों से विभिन्न तरीकों से आपकी रचनात्मकता लोगों तक पहुंचेगी। हर चीज की अधिकता भी अच्छी नहीं होती, इसीलिए संतुलन बनाकर रखें। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हार इसमें है कि हम खुद अपने आप को नहीं पहचान पाते। घर में खास मेहमानों के आने से काफी व्यस्तता बनी रहेगी। आज आप अपनी रोजमर्रा की व्यस्त दिनचर्या में कुछ समय से सुकून और मौज मस्ती के लिए भी निकाल लेंगे। संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आपने जिस जिम्मेदारी को स्वीकार किया है वह जब तक पूरी नहीं होती है तब तक एकाग्रता बनाए रखने की कोशिश करें। जो बातें उदासीनता बढ़ाती है ऐसी बातों से खुद को दूर रखें। अपने प्रयत्नों के जरिए बड़ी सफलता मिल सकती है। करियर से जुड़ी बातों में सुधार करने पर ध्यान दें। वरिष्ठ अधिकारियों से मिली सूचनाओं का पालन करना होगा। ऑफिस में कोई विवाद ना करें, पार्टनर के साथ बातचीत सीमित बनी रहेगी। अधिक सोच विचार करने और आराम ना करने से सेहत बिगड़ सकती है। सावधानियां, अपने सीक्रेट बातों को किसी से साझा करना नुकसानदायक हो सकता है। मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी विवाद से दूर रहना चाहिए। युवाओं को अपने किसी इंटरव्यू के लिए बहुत अधिक मेहनत और तैयारी करने की जरूरत है। किसी जरूरतमंद संबंधी की मदद करने में संकोच ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। अपने सूरत में बदलाव करके आप आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करेंगे। आज आप किसी स्पेशल को अपने दिल का हाल बताएंगे जिससे आपके जीवन के नए चरण की शुरुआत होगी। जीवन का साधारण प्रेम भी अहंकारी आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम के लिए झुकना अनिवार्य शर्त है। आज आप अपने परिवार और विशेष लोगों से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो आज इंटरनेट और सोशल मीडिया का प्रयोग करके अपनी आप को खुशी प्रदान करें। इन खुशियों को अच्छे से समेट लें, किंतु आवेश में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचें। बात करते हैं करियर की। आप अपनी शक्ति और कमजोरी को अच्छे से जानते हैं और लगातार लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। जीवन वास्तव में आपके दृष्टिकोण और मिजाज पर निर्भर करता है। आपकी आज सभी योजनाएं पूरी होगी जिससे आप खुशियों को महसूस करेंगे। नई पहचान बनाने के लिए भी यह चरण शानदार है। आज आपके प्रयास मूल्य और दृढ़ संकल्प आपको एक अलग पहचान दिला रहे हैं। आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों या सहकर्मियों से बातचीत करने की हर कोशिश करेंगे और उन्हें अपनी सूझबूझ से प्रभावित करेंगे। आप आज नई जिम्मेदारियों और अवसरों का भी पूरा फायदा उठा सकती हैं।
कुछ बड़ा सोचें और करें, क्योंकि भाग्य आज आपके साथ है। दिन की शुरुआत में काफी भागा दौड़ी रहेगी। दोपहर बाद अचानक सारे काम अपनी आप बनने शुरू हो जाएंगे। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों की आज फायदेमंद डील हो सकती है। पार्टनरशिप संबंधित व्यवसाय में पेपर वर्क करते समय बहुत अधिक सावधानी रखें। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखना भी जरूरी है। अधिक सोच विचार करने और आराम ना करने से सेहत भी बिगड़ सकती है, ख्याल रखें। आज का उपाय, हनुमान भगवान जी की आज पूजा आराधना करें, लाल फूल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।